हेलो हेलो हेलो। हाय, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। आई होप माय ऑडियो इज क्लियर। माय नेम इज राहुल शारदा। दिस सीरीज इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग फिल्म्स विद राहुल। आई हैव गिवन माय सेल्फ अ हेयर कट दिस मॉर्निंग, सो दैट्स दैट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फिल्म कॉल्ड द लॉबस्टर। दिस वॉज मेड बाय अ ग्रीक फिल्म मेकर कॉल्ड योर्गोस लांथिमोस। एक बार मुझे बस देखना है कि मेरे फ्रेम्स अटक रहे हैं कि सही आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई थिंक सही आ रहे हैं। ठीक है, कूल। तो वी हैव 10 पीपल वॉचिंग राइट नाउ। हाय मिस्टर पिंक, हाय अमन कुमार, हाय आकाश दास। सबसे पहले हम बात करेंगे योर्गोस लांथिमोस की एक्चुअली, और मैं चाहता था कि मैं आपको थोड़ी इमेजेस दिखाऊं उनकी। तो ये योर्गोस लांथिमोस है। ये मुझे इनकी एक बड़ी आर्टसी सी पिक्चर मिली थी, और तो मैं इन आर्टसी सी पिक्चर के पीछे इनके चाइल्डहुड के बारे में बात करना चाहूंगा। हाय राहुल तिवारी, हाय गौरांग गर्ग, गौरव गर्ग, हाय आमिर साजिद, मूवी फ्रीक। ओके, तो योर्गोस लांथिमोस पैदा हुए थे एथेंस में, ग्रीस में, और इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे व्हेन ही वाज वेरी यंग, और फिर इनकी मदर ने इनको रेस किया मोस्टली। पर जब ये 17 साल के थे तो इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद से फिर ये अपनी आंट के साथ रहे थे, और पर इनको मतलब खुद सब कुछ संभालना पड़ा था, काम वाम ढूंढना पड़ा था। उसके बाद एथेंस में इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चालू किया कॉलेज में, और साथ साथ में ये फुटबॉल सॉरी बास्केटबॉल भी खेलते थे एक क्लब में। और काफ़ी इंटरेस्टिंगली इनके पापा जो थे वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर थे प्रोफेशनली। तो लेकिन थोड़े दिनों बाद जब उनका मन नहीं लगा बिजनेस पढ़ने में तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया कॉलेज से, एंड देन ही ज्वाइंड अ फिल्म स्कूल इन एथियंस। फिल्म स्कूल जब इन्होंने ज्वाइन करी तब इनको लगा कि ये कमर्शियल्स बनाएंगे एंड ही विल मेक अ करियर इन एडवर्टिजमेंट, क्योंकि उस समय 80s 90s में ग्रीस में टू बिकम एन आर्ट फिक्शन फिल्म मेकर काफ़ी मतलब अनहर्ड ऑफ बात होती थी। तो उनको लगा कि मुझे एडवर्टिजमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। पर धीरे धीरे करके जैसे इन्होंने एड्स बनाए, उसके बाद सबसे पहले जो फिल्म थी जिनको इंटरनेशनल अक्लेम मिला वो थी डॉग टूथ। उसके पहले इन्होंने कई फिल्में बनाई थी, केनेटा बनाई थी, एल्प्स बनाई थी, एक फिल्म है एटनबर्ग नाम की, उसके अंदर इन्होंने एक्ट भी किया है। तो पहली बार जब डॉग टूथ को नॉमिनेशन मिला ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में, तब इनको इंटरनेशनल अक्लेम मिला। एंड देन ही कुड कन्विंस हिमसेल्फ टू गेट इन टू फिक्शन फिल्म मेकिंग। तो ही स्टार्टेड मेकिंग मोर फिल्म्स, और आई थिंक इन 2011 ही मूव टू लंडन विथ हिज वाइफ। हिज वाइफ इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस, शी इज कॉल्ड एरियन लबेड। शी इज अ ग्रीक फ्रेंच एक्ट्रेस, और ये इनकी काफ़ी फिल्मों में भी आती है। और इन्हें एक्चुअली ये जब ये एल्प्स बना रहे थे तो उस टाइम ये इन्हें मिली थी, एंड देन दे गॉट मैरिड, और अब ये दोनों साथ में लंदन में रहते हैं। और इंटरेस्टिंगली एरियन लबेट की भी अभी एक फिल्म बाहर आई थी लोला करके, और उसका काफ़ी बढ़िया मूवी रिलीज हुआ था वर्ल्ड वाइड। तो फिर उसके बाद मेरे को ये भी इमेजेस दिखानी थी। इनकी जो लास्ट पिक्चर आई थी वो थी द फेवरेट, और इसमें काफ़ी ऐसे अमेरिकन कास्ट थी और वर्ल्ड वाइड कास्ट थी एक्चुअली। तो ये इनकी एक पिक्चर है एमा स्टोन के साथ, और एक और इनकी फिल्म आई थी 2017 में, द किलिंग ऑफ अ सेक्रेट डियर। उसकी ये एक BTS इमेज है। द पर्सन ऑन द राइट इज योर्गोस लैंथिमोस, ऑन द लेफ्ट वी सी कॉलिन फेरल। वन सेकेंड। तो कॉलिन फेरल इस फिल्म में भी हमें दिखते हैं द लॉबस्टर में, और आप शायद इनको जानते होंगे एक और फिल्म है इनकी काफ़ी पॉपुलर, इन ब्रूज, और एटलीस्ट मैं तो वहाँ से जानता था। इन ब्रूज भी एक और डार्क कॉमेडी फिल्म है, उसका पोस्टर मैं थोड़ी देर में दिखा पाऊंगा आपको।
और तो ऐसे धीरे धीरे ये फिल्में बनाते गए, इनको और इंटरनेशनल अक्लेम मिलता गया। पर दो लॉबस्टर इन्होंने बनाई थी 2015 में। तो 2015 में जब दो लॉबस्टर बाहर आई, इसको भी काफी क्रिटिकल अक्लेम मिला। एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फीचर फिल्म। और इसके पहले जो भी सारी फिल्में बनाई थी वो इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में बनाई थी। और इस फिल्म की जो कास्ट थी वो भी काफी वर्ल्ड वाइड थी, मतलब ग्रीक कास्ट थी, अमेरिकन कास्ट थी, ब्रिटिश कास्ट थी, आयरिश कास्ट थी। और ये फिल्म से फिर उनको ऑलमोस्ट अमेरिका में, मतलब इंडी सर्कल्स में सब जानने लग गए। इस फिल्म के पोस्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग थे। अगर आपको ये पोस्टर अभी दिख रहा है तो आपको, जब मैं बात करूंगा फिल्म के बारे में, तो समझ आएगा कि ये पोस्टर की रेलेवेंस क्या है और क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। पर मैं आपको इस फिल्म के और पोस्टर्स भी दिखाना चाहता था। जैसे मैंने कहा कि इसका वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ था एक, तो ये इस फिल्म का कोरियन पोस्टर था। फिर इसके स्पेनिश पोस्टर भी बने थे, और ये एक और स्पेनिश पोस्टर था जिसका नाम ही इन्होंने लांगोस्ता लिखा था। लांगोस्ता इज स्पेनिश फॉर द लॉबस्टर। इनकी अभी पिछले साल एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी निमिक करके, जो पिछले साल मुंबई फिल्म फेस्टिवल पे भी लगी थी। ये शॉर्ट फिल्म थी आई थिंक 10 मिनट कुछ की, पर बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैं भी देख पाया था पिछले साल। और द किलिंग ऑफ अ सेक्रेट डियर का भी पोस्टर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो एक बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड देन वी कैन डिग डीपर इनटू द फिल्म। मेरे फ्रेम्स थोड़े स्किप हो रहे हैं, कि एक बार मुझे चैट में बता दो। सप्तर्षि माजुमदार लॉबस्टर नहीं भाई, अपन को स्क्विड मांगता है। गौरव गर्ग, डॉग टूथ इज सो गुड यार। मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था डॉग टूथ के बारे में। मैं शायद डॉग टूथ पे एक और एपिसोड करना चाहिए मुझे। डॉग टूथ की जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। एंड योर्गोस लैंथिमोस इज एक्चुअली नोन फॉर हिज एंडिंग्स, कि वो एंडिंग पे बहुत मतलब जोर रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी एंडिंग्स उनकी फिल्मों में। गौरव गर्ग, वेयर कैन आई वॉच निमिक? आई एम नॉट श्योर, अभी तो ये मूवी पे भी नहीं आई है एक्चुअली, पर मैं पिछले साल मामी पे देख पाया था। थोड़ा सा लैग हो रहा है ना, आई थिंक ठीक हो जाएगा देर में। आई एम नॉट श्योर व्हाट एल्स आई कैन डू, आई एम ऑन द बेस्ट। सुदीप लोहार काफी कूल। ओके, नो लैग नाउ। ओके कूल। तो मैं चाहता था इस फिल्म के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा थीम बता दूं कि व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, एंड देन वी कैन लुक एट इमेजेस एंड देन डिग डीपर इनटू द फिल्म। एक सेकंड में लोड भी कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड, मैं आपको इन ब्रूश का भी पोस्टर दिखा रहा था। दिस इज द पोस्टर फॉर इन ब्रूश। और इसमें भी कॉलिन फेरल है जो एक्टर है द लॉबस्टर में भी। इन ब्रूश भी मैं रेकमेंड करूंगा काफी जोर से, अगर आपको डेड पैन कॉमेडी पसंद है, अगर आपको सैटायर पसंद है और ब्लैक ह्यूमर पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कमिंग बैक टू आवर इमेजेस, तो यार फिल्म स्टार्ट होती है, हम एक सीक्वेंस देखते हैं। वन सेकेंड, ठीक है कूल। मेरे को यॉर्गोस लैंथिमोस का थोड़ा सा ट्रिविया और बताना था। तो 2004 में एक्चुअली जब समर ओलंपिक्स हुए थे ग्रीस में, तब ही वॉज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम जिन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करी थी ओलंपिक्स की। तो मतलब ही वॉज रियली जस्ट डूइंग वॉट एवर ही गॉट वेन ही वॉज इन एथियंस, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि जब ये 17 साल के थे और एकदम से इनकी मम्मी की भी डेथ हो गई थी, तो
तो उस टाइम ऑब्वियसली उनको बहुत अफेक्ट करी थी वो चीज, पर वो काफी अनकॉन्शियस था, वो एक्चुअली सोच नहीं पाए थे उस चीज के बारे में बैठ के, बिकॉज ही सेड दैट ही वाज टू बिजी ट्राइंग टू फाइंड वर्क, ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, और उस एज पे एकदम से उनको बहुत डिफिकल्टीज देखनी पड़ी थी. तो उस समय जो भी उनको एडवर्टाइजिंग में काम मिला वो कर रहे थे, पर एडवर्टाइजमेंट भी इन्होंने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बनाए थे. जैसे एक इनका एड था जिसमें इट वॉज अबाउट हाउ इट इज नॉट ओके दैट पीपल आर ब्रिंगिंग देयर वर्क बैक होम. तो उसके लिए उन्होंने क्वाइट लिटरली दिखाया था कि जैसे एक बुचर है तो वो अपनी बुचर शॉप पे काम करता है, सो ही इज ब्रिंगिंग बैक हिज नाइफ एंड द मीट बैक होम. तो उसकी फैमिली पूरी डिस्गस्ट हो जाती है देख के. तो द आइडिया वाज कि जो मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है, इट इज नॉट ओके फॉर द कॉर्पोरेशंस टू फोर्स देम टू ब्रिंग देयर होम एट वर्क एंड देन वर्क. तो एड्स भी इन्होंने काफी बढ़िया बनाए थे, धीरे धीरे करके इनको रिकग्निशन मिला. इन्होंने म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं, एक्सपेरिमेंटल थिएटर प्लेस भी इन्होंने डायरेक्ट करे हैं, और रेडियो हेड का बीच में जो एक गाना था आइडेंटिटी किट, तो इंस्टाग्राम पे जब 60 सेकेंड के, शायद ये 3 साल पहले की बात है, इंस्टाग्राम पे जब 60 सेकेंड वीडियोस अलाउ होने लग गए थे, मतलब नॉर्मल पोस्ट में, तो तब इन्होंने रेडियो एड के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे, इनका जो आइडेंटिकेट नाम का ट्रैक है उसके ऊपर. तो वो वीडियोस मैंने देखे थे, अभी काफी इंटरेस्टिंग है. तो इन्होंने बहुत चीजें करी है, ही इज नॉट जस्ट अ फिक्शन फिल्म मेकर, फीचर फिल्म मेकर. ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव टू द इमेजेस नाउ. कूल. तो पहले बार को बस समझाना था कि ये जिस वर्ल्ड में सेट है ये फिल्म, वो वर्ल्ड इन इटसेल्फ फिजिकली बहुत ही नॉर्मल वर्ल्ड है, पर जो उस वर्ल्ड के रूल्स है वो इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी है और वो इतने अजीब है कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डनरी हैपनिंग इन अ वेरी नॉर्मल वर्ल्ड. जैसे वो अपने एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि मतलब आई वॉज इन ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टॉपिक नियर फ्यूचर वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड वेर वी लिव इन, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट टू अटेंशन एंड मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट टू प्रूव माई पॉइंट, बट दिस इज द सोसाइटी दैट वी लिव इन नाउ. तो जो थीम है फिल्म का, इट इज बेसिकली अबाउट हाउ द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स पीपल टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है ऑलमोस्ट, कि जैसे एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी अभी कि द सोसाइटी इज बिल्ट फॉर द 2 पर्सन बाइसिकल्स, जो दो लोग बैठ पाते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए मतलब पाथ्स बनाए सोसाइटी में, मैंने एक रिव्यू में पढ़ा था. तो उस चीज को, वो चीज काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत उसके थ्रू हम समझ सकते हैं इस फिल्म को और ये क्या कहना चाह रही है. तो उस चीज को लेके ये एक सैटायर है, और ये उसके बारे में बात करता है कि कैसे हम जो कमर्शियल्स भी देखते हैं और जो एक पूरे एडवर्टाइजमेंट्स का भी वर्ल्ड है, एडवर्टाइजमेंट्स इन एसेंस उनका बेसिक्स ही होता है कि दे वॉन्ट टू कन्विंस यू दैट हैप्पीनेस इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू बाय आर प्रोडक्ट बेसिकली, एंड वंस यू बाय आर प्रोडक्ट यू विल गेट एवरीथिंग. जैसे हम जो मतलब काफी ऑब्वियस एग्जाम्पल है, पर जैसे हम फेयर एंड लवली के एड्स देखते थे, तो वंस यू हैव फेयर स्किन यू गेट अ जॉब, यू गेट अ बॉयफ्रेंड, योर फैमिली लाइक्स यू अगेन, एंड यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप एंड यू कैन गेट मैरिड एंड हैव अ नॉर्मल लाइफ. तो ये जो एक पूरा वर्ल्ड हम दिखाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और सोसाइटी भी वो धीरे धीरे एक्सपेक्ट करने लग जाती है सबसे. तो अब अगर किसी को इस सोसाइटी में अकेला रहना पसंद है तो भी हर बार वो बॉम्बार्ड होता रहता है, लोग उसको कहते हैं कि नहीं, मतलब ऑलमोस्ट फोर्स करते हैं उसके ऊपर ये कि मीनिंग नहीं है लाइफ में कोई अकेले रहने में, यू नीड अ पार्टनर. तो उसी चीज को एग्जैजरेट करते हुए यॉर्गोस लांथिमोस ने ऐसा एक वर्ल्ड बनाया है जिसके अंदर 3 टाइप के सेक्शंस होते हैं, 3 टाइप्स की सोसाइटीज होती है, और ये सारी सोसाइटीज एक्सट्रीम्स में रहती है. जो पहली सोसाइटी होती है वो एक अर्बन सेटिंग होती है, जो सिटी होती है, और उस सिटी के अंदर सिर्फ कपल रह सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए आपको हमेशा, और अगर आप अकेले हो, कुछ भी हो जाए, आपका पार्टनर मर जाए, आपका पार्टनर डिवोर्स करना चाहता हो या ब्रेकअप हो जाए आपका, तो यू आर सेंट टू द अदर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन
इट्स अ हॉस्पिटल ऑलमोस्ट, और वहां पर आप जाते हो 45 days के लिए, आप वहां पे रुकते हो अंटिल यू कैन फाइंड अनदर पार्टनर एंड देन यू कम बैक टू द सिटी। पर आप सिटी में अकेले नहीं रह सकते, हर जगह चेक्स होते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट लेके दिखाना पड़ता है कि आई हैव अ पार्टनर। तो दिस इज इन अ वे टंग इन चीक सॉर्ट ऑफ जोक अबाउट हाउ द लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट रिलेशनशिप्स इन आर सोसाइटी आर सो सिली इन अ वे। मतलब इफ यू आर सेइंग दैट अ फिजिकल ह्यूमन बॉन्ड कैन बी रिड्यूस्ड और समराइज टू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज काफी सेंसलेस लगती है एक्चुअली। मतलब डज इट इज इट जस्ट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट देन, और इज देयर मोर टू लव, इज देयर मोर टू अ रिलेशनशिप। तो उन थीम्स के बारे में थोड़ी बात करती है फिल्म, और इज लव रियल के बारे में भी काफी बीच में एक्सप्लोरेशन होता है। पर जो तीसरा वर्ल्ड होता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, वो एक इन दोनों से हटके एक और एक्सट्रीम होता है, और वो एक्सट्रीम ये होता है कि दे आर पीपल हु हैव रन अवे फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन एंड दे वॉन्ट टू बी अलोन एंड दे आर रिबेल्स, और वो भी एक एक्सट्रीम होता है, लेकिन उस ऑलमोस्ट एक कल्ट होता है वो। तो उस कल्ट में ऐसा होता है कि यू हैव टू बी अलोन, यू कैन नॉट हैव अ पार्टनर। तो हम देखते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड एक ब्लैक एंड व्हाइट में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर कोई ग्रे एरिया नहीं है। या तो आप सिटी में रहना है तो आप अपने पार्टनर के साथ रहो, अगर आप कुछ भी हो जाए तो आप इस इंस्टीट्यूशन में आओगे अनलेस अंटिल यू कैन फाइंड अ पार्टनर, और अगर तुम वहां से भाग के इफ यू आर एबल टू रिबेल एंड गो टू द फॉरेस्ट, फिर वहां पर तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम फ्लर्ट भी नहीं कर सकते। फ्लर्टिंग के भी बहुत खतरनाक पनिशमेंट्स होते हैं इस कल्ट में। तो यू कैन ओनली बी अलोन, यू कैन नॉट हैव अनदर पार्टनर। तो ये जो पूरे एक्सट्रीम्स होते हैं, एक इंटरव्यू में ये भी बात हो रही थी कि से व्हेन यू वांट टू रिबेल अगेंस्ट सोसाइटी, तो हम रिबेल करके जिस स्टेट में पहुंच जाते हैं इन इट सेल्फ वो खुद एक कल्ट होता है, वो इन इट सेल्फ एक एक्सट्रीम बन जाता है। तो उस थीम्स पे काफी बात करी है इस फिल्म में। चलो नाउ वी कैन लुक एट द इमेजेस, बट आई जस्ट वांट टू सी द कमेंट्स उसके पहले एक बार। प्रतिभा क्रिएटर्स, हाय सज्जन कुमार शाह, आई हैव सीन द फिल्म, इट्स अमेजिंग, कैन यू डिस्कस अबाउट डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स? यस, मैं अभी वापस देख रहा था फिल्म, तो डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स काफी मतलब काफी लिटरल मेटाफर है एक्चुअली, इट्स बेसिकली व्हाट देयर डूइंग। हाय जबिन पीके, हाय गाइस, लॉबस्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, यस वी विल सी व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग इन अ व्हाइल। ओके तो कमिंग बैक टू दिस, द फिल्म स्टार्ट्स, एक मैंने की डिटेल अभी आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बताई, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। द फिल्म स्टार्ट्स दिस, वी सी दिस वुमन एंड शी इज शूटिंग अ डोंकी फॉर नो रीजन, दैट्स इट, एंड देन द टाइटल अपियर्स एंड देन वी सी आवर प्रोटैगनिस्ट कॉलिन फेरल, एंड ही इज एट द इंस्टीट्यूशन नाउ एंड ही इज रजिस्टरिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आप डायलॉग्स के थ्रू देखते हैं कि ये वर्ल्ड कितना वियर्ड है, इसकी जो डायलॉग डिलीवरीज भी है और जो कैरेक्टर्स है वो ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि बिल्कुल मैकेनिकल, बिल्कुल रोबोटिक। मतलब इवन इफ दे आर सेइंग समथिंग दे लिटरली मीन दैट, देर आर नो कॉम्प्लेक्सिटीज बिहाइंड दैट, देर इज नो सब टेक्स्ट, जो कह रहा है वो कहना चाहता है। मतलब दीज आर ऑलमोस्ट रोबोट्स, क्योंकि इनका वर्ल्ड ऐसा है कि सोसाइटी इन पे इतने ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपेक्टेशंस डाल रही है कि दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट। तो सब कुछ बहुत क्लिनिकल है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक है, सिस्टम के बाहर जाना फिर एक और एक्सट्रीम हो जाता है। तो सोसाइटी को बेसिकली डिसमेंटल किया है इन्होंने, और एक एक एक्सट्रीम को समझाया है थ्रू द लेंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लव। और हम बाद में ये भी डिस्कवर करते हैं कि मतलब लव का क्या बॉन्ड है एंड डज इट ट्रांसेंड सेल्फिशनेस। तो ही इज रजिस्टरिंग फॉर दिस, और हम देखते हैं कि जैसे मैं कह रहा था ब्लैक और व्हाइट है, इट्स देर इज नो ऑप्शन फॉर बाइसेक्सुअल, आइदर 0 और 1, उसके बीच में कुछ नहीं है। सो दिस इज द इंस्टीट्यूशन वेर दे आर लिविंग, और दिस इज एरियन लेपर्ड बाय द वे, हु इज योरगोस वाइफ नाउ एंड शी इज ऑल्सो एक्टिंग इन दिस फिल्म।
शी आस्क्स शू साइज प्लीज एंड ही सेज 44 एंड अ हाफ. सो अगेन सिंस दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड देर इज नो हाफ, इट्स आइदर 44 और 45, कोई हाफ साइज नहीं होती है. फिर हम देखते हैं कि ये अपने रूम में जाता है और इसके साथ, इफ आई कैन जूम इन टू दिस, इसके साथ उसका एक डॉग भी होता है जो लीश पे होता है एंड ही इज बेसिकली हिज ब्रदर. तो अब मैं वो आपको बताता हूँ कि कैच क्या है इस चीज में. तो व्हेन यू आर एट दिस इंस्टीट्यूशन एंड इफ यू आर अनेबल टू फाइंड अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ, देन इन 45 डेज टाइम इफ यू आर अनसक्सेसफुल देन दे टर्न यू इन टू एन एनिमल ऑफ योर चॉइस. दैट्स द कैच. फिर एनिमल बना के आपको फॉरेस्ट में छोड़ देंगे एंड वो इरिवर्सिबल है. फिर तो इसका बेसिकली एक सब टेक्स्ट ये भी है कि व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, ऑल्दो मेरी एज पे तो शायद इतना फील होता नहीं है अभी, पर व्हेन यू आर से एन एक्चुअल अडल्ट इन अ सोसाइटी देन यू ऑलवेज हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ, स्पेशली से इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया, देर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टू बी इन अ मैरिज और टू बी इन अ रिलेशनशिप और टू बी इन सम काइंड ऑफ अ बॉन्ड जो भी प्री डिसाइडेड होते हैं पहले से. तो एंड इफ यू आर नॉट इन सच अ बॉन्ड देन यू आर ऑलमोस्ट मेड टू फील लाइक एन एनिमल, देन यू आर ऑलमोस्ट ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी सिटीजन एंड एज एन एनिमल. और इस फिल्म में लिटरली इफ यू आर सिंगल यू आर ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी सिटीजन इवन लीगली. तो इस वर्ल्ड में हम धीरे धीरे घुसते हैं, सब कुछ इसमें क्लिनिकल होता है, सेम कलर के कपड़े होते हैं. अब एक और फन चीज क्या होती है कि इनकी एक एक्टिविटी होती है बीच में, फॉरेस्ट में जाते हैं और जो लोग रिबेल्स होते हैं, जो मैं कह रहा था जो कल्ट के ऑलमोस्ट पार्ट होते हैं, तो अब जो इंस्टीट्यूशन में लोग आए होते हैं, इफ दे कैन गो टू द फॉरेस्ट एंड किल वन ऑफ द रिबेल्स देन दे गेट वन एक्स्ट्रा डे टू स्पेंड एट द इंस्टीट्यूशन एंड देन दे हैव हायर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ पार्टनर एंड नॉट बींग टर्न इन टू एन एनिमल. तो ये एक इंसेंटिव होता है उनके लिए, मतलब देर बेसिकली लिटरली वो सिंगल लोगों को मार रहे हैं जिससे वो खुद जी पाए. तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक बिल्ड होती है उससे. तो बेसिकली तुम्हें शुरू शुरू में पूछ लेते हैं कि तुम्हें कौन सा एनिमल बनना है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, अगर तुम अनसक्सेसफुल हो रहे तो वो उससे पूछते हैं. तो वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ लॉबस्टर. तो फिर वो एक्सप्लेनेशन भी देता है उसका, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा क्लिनिकल वर्ल्ड है. तो कहता है लॉबस्टर्स लिव फॉर ओवर 100 ईयर्स एंड आर ब्लू ब्लडेड लाइक एरिस्टोक्रेट्स एंड स्टे फर्टाइल ऑल देयर लाइव्स, ऑल्सो आई लाइक द सी वेरी मच. तो अब जो औरत उससे पूछ रही होती है वो कहती है आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, द फर्स्ट थिंग मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इज अ डॉग विच इज वाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डॉग्स, वेरी फ्यू पीपल चूज एन अनयूजल एनिमल विच इज वाई दे आर इंडेंजर्ड. तो जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज अ वेरी रियल वर्ल्ड, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड टू से दैट, मतलब दिस जस्ट ये डायलॉग के थ्रू ही कंप्लीटली पुट्स दिस नैरेटिव इनटू आर रियल वर्ल्ड. व्हेन यू से दैट सम स्पीसीज आर एंडेंजर्ड बिकॉज दे आर अनयूजुअल बट देर आर सो मेनी डॉग्स, तो ये डायलॉग राइटिंग इतनी क्लेवर है. तो बेसिकली अब एक ये चीज चालू होती है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई इट्स ऑलवेज बट, जैसे वो लाना डेलरे का शायद एक लिरिक भी है द वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर टू, मैं मूवी रिवॉच कर रहा था तो एकदम से मेरे को याद आया वो. तो उसी चीज को वो प्रूव करना चाह रहे हैं अब कि द वर्ल्ड इज बिल्ट फॉर टू, और वो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बेटर इफ देर आर टू पीपल एंड नॉट वन पर्सन. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए वो उसका हाथ बांध देते हैं उसके पीछे एक दिन तक, जिससे वो समझ पाए कि कितना मुश्किल होता है एक अकेली एंटिटी से सर्वाइव करना और हाथ पीछे बंधा हुआ होता है उसका ऐसा. फिर हम देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट एक सेटायर किया इन्होंने ह्यूमन मॉडर्न रिलेशनशिप्स पे, कि बिकॉज से इफ वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर यूजुअली हम एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मतलब और मतलब कई कई साइकोलॉजी स्टडीज भी शो करती है कि ऑल दो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट बट इट्स इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर इफ देर आर सिमिलर ट्रेट्स इन बोथ द पार्टनर्स एंड इफ से इफ दे आर इन द सिमिलर फील्ड ऑफ वर्क और समथिंग. तो उसी पे एक सटायर करने के लिए कि हम कितने मतलब हाउ शुड आई से, कितने ट्रिवियली हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को.
तो ये एक आदमी होता है, तो शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, तो वो कहता है कि आई हैव अ लिम्प इन माई लेग, आई कॉन्ट वॉक प्रॉपरली, एंड दैट इज माई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें सारे कैरेक्टर्स का एक एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो अपने पार्टनर में भी वही एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं। जैसे अगर इसका लिम्प है तो ये एक और अपना पार्टनर ढूंढेगा जिसका भी लिम्प होगा, एंड ओनली देन कैन दे बी टुगेदर। मतलब वो ऑलमोस्ट एक डिमांड है, वो एक कंपल्शन है कि यू हैव टू हैव अ सिमिलर ट्रेट। जैसे एक लड़की होती है, उसका ट्रेट होता है कि उसको नोज ब्लीड होता है, तो फिर हम आगे देखते हैं कि हाउ दैट प्लेज आउट। तो शी विल ऑब्वियसली ओनली बी विद समबडी हु ऑल्सो हैज अ नोज ब्लीड। तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट सटायर ऑन एक्चुअल सोसाइटी। दिस इज हाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू द नोज ब्लीड। वो उसकी शर्ट पे नोज ब्लीड गिरा देती है। अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू से अबाउट दिस फिल्म वॉज, योर्गोस लांथिमोस रियली बिलीव्स इन इकोनोमाइजेशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि बिकॉज ही वॉज यूज टू मेकिंग फिल्म ऑन सच अ टाइट बजट सिंस द टाइम ऑफ डॉग टूथ, तो तब से ही ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन मिनिमलाइजेशन एंड इकोनोमाइजेशन। तो इस फिल्म में जो भी हो रहा है, इट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल टू द प्लॉट। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया है इन्होंने। एक एक सीन और एक एक सीन की जो सीक्वेंसिंग है, इट इज परफेक्ट। और अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होगा। जैसे एक चेकऑफ्स रूल होता है, खैर रूल तो क्या होता है, पर लोग कहते हैं कि चेकऑफ्स रूल एक टर्म होता है जिसका मतलब ये होता है, इफ यू आर शोइंग अ पिस्टल इन योर फिल्म, देन एट सम पॉइंट इन द फिल्म द पिस्टल मस्ट बी फायर्ड। बेसिकली इफ यू आर शोइंग एन ऑब्जेक्ट इन योर फिल्म, देन इट शुड हैव सम रीजन टू बी देयर इन द प्लॉट। तुम फालतू में कोई चीज नहीं दिखा सकते। से इफ आई एम मेकिंग अ फिल्म एंड आई शूट अ क्लोजअप ऑफ अ पेंसिल, देन लेटर इन द फिल्म द पेंसिल मस्ट राइट ऑन अ पेपर, या कुछ उसका यूज होना चाहिए। तो इस फिल्म में एक एक डायलॉग, एक एक चीज जो हम देखते हैं, एक एक सीक्वेंस, इट समहाउ एड्स अप इन द नैरेटिव आफ्टरवर्ड्स। और जो पूरा सीक्वेंसिंग है वो इतनी क्लेवर है, हम धीरे धीरे समझेंगे, पर आप भी जब फिल्म देखेंगे, आपने देखी है तो आपको पता है कि कैसे एकदम से नैरेटिव आगे आगे बढ़ता है। बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूँ थोड़े से। और 23 पीपल आर वॉचिंग, फिल्म्स लोडिंग हाई, वाइस प्रेसिडेंट एब्सोल्यूटली लव्ड दिस फिल्म, वन ऑफ द फाइनेस्ट डार्क कॉमेडीज, आई एग्री। हिंडोल हजरा, हाय इंडोल, हे राहुल, हैव हर्ड अ लॉट अबाउट ट्रेजिक ह्यूमर इन ग्रीक फिल्म्स, हैव यू कम अक्रॉस एनी रीजन एज टू व्हाई दिस इज अ रेकरिंग थीम इन देयर सिनेमा? आई डोंट नो इनफ अबाउट ग्रीक हिस्ट्री और कल्चर टू टेल यू व्हाई, बट माय गेस वुड बी सिंस, एंड नॉट जस्ट ग्रीक्स एक्चुअली, बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप हैव हैड एस्पेशली से इन द ईस्टर्न यूरोप हैव हैड अ वेरी ट्रेजिक पास्ट, and so a lot of their culture is shaped around that, so maybe that should be the case with Greece as well. But I think specifically अगर हम बात करें तो यॉर्गोस लांथिमोस की लाइफ में क्योंकि इतनी ट्रेजेडी रही थी, which is why it sort of came out in their fiction filmmaking. Mr. Pink कह रहे हैं because Greek tragedy, oh right, Greek tragedy is a form of theatre prevalent in Greece since ancient times. That is also true. Yeah. सुदीप लोहार, फर्स्ट टाइम मैं तो कुछ समझ नहीं आया ये फिल्म देख के, दिस इज हाउ आई फेल्ट अबाउट डॉग टूथ व्हेन आई हैड वॉच्ड इट। लॉबस्टर मैंने देखी थी 2016 में, और एक्चुअली मैं एम्फेसिस इसलिए कर रहा था कि दिस इज एन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, क्योंकि उस समय अगर मैं ग्रीक में ग्रीक सबटाइटल मतलब ग्रीक ऑडियो के साथ देखता तो शायद मेरा इतना मन नहीं होता है देखने का 2016 में। तो व्हेन ही गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मुझे इंग्लिश में बनानी चाहिए, और उसके बाद फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग देख पाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओन मेरिट्स एक्चुअली। तन्मोय शर्मा, अगली बार अगले वीडियो में सत्यजीत रे का प्रतिद्वंदी फिल्म के बारे में बताएगा, देखा नहीं तो यूट्यूब में ही फ्री में। ठीक है देख लेंगे। ओके कमिंग बैक टू दिस, बट दैट्स इंटरेस्टिंग अबाउट द ग्रीक ट्रेजेडी, मैंने सोचा नहीं है। पता नहीं समहाउ मैं ऐसा ग्रीस को बहुत ही मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखने लग गया।
पर हाँ, ग्रीस ग्रीस इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज एंड द ओल्डेस्ट कल्चर्स, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन डाउन देयर। तो हम देखते हैं कि एक जो उनकी एक्टिविटी होती है कि वो फॉरेस्ट में जाते हैं, एंड दे रन आफ्टर दीज रन अवेज, दीज रिबेल्स जो कल्ट में होते हैं। इस वोमेन का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिकली एक औरत होती है जो सेडिस्ट होती है, और शी गेट्स ऑफ ऑफ हर्टिंग पीपल, किलिंग पीपल एंड बींग मीन एसेंशियली। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी सी हर स्माइल इन दिस फिल्म, बिकॉज शी जस्ट हिट द अदर पर्सन विद अ राइफल। नहीं तो अदरवाइज पूरे टाइम ये बिल्कुल सल्क कर रही होती है। तो इनकी जॉब बेसिकली ये होती है कि ये तुम मारोगे तुम्हें एक और दिन एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे रहने के लिए। फिर वो डिक्लेयर भी करते हैं कि इस रूम में वन, वो कॉल भी लोनर करते हैं इन लोगों को, वन लोनर वन एक्स्ट्रा डे। और जो मैं पहले कह रहा था कि डेमोन्स्ट्रेशन होता है ब्लैक एंड वाइट का, तो वो कहते हैं कि अगर तुम अकेले हो एंड इफ यू आर डाइनिंग एंड इफ यू चोक ऑन टू समथिंग एंड यू आर कॉफिंग देन यू डाई, दैट इज नोबडी टू हेल्प यू। बट इफ यू हैव अ वाइफ देन देयर इज टू ऑफ यू एंड द वाइफ कैन गेट अप एंड हेल्प यू एंड यू विल नॉट डाई। तो पूरा ब्लैक एंड वाइट डेमोन्स्ट्रेशन होता है हर चीज का। और क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए टू बी अ पार्टनर विद समबडी, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आई सॉ अ वुमन विद अ लिम्प, वो अपने दोस्त से कहता है जिसके लिम्प होता है। तो वो इतना डिसअपॉइंटमेंट में कहता है इट्स जस्ट अ स्प्रेन्ड एंकल, शी विल बी वॉकिंग नॉर्मली अगेन इन अ फ्यू डेज। और ये इतना डिसअपॉइंटेड होते हैं सब इस चीज पे। एक बंदा कहता है दैट्स अ शेम, दूसरा कहता है दैट इज अ शेम इंडीड। तो ये जो डार्क ह्यूमर है ना, ये फिल्म की रिदम में इतना फनी लगता है कभी कभी। और अगर आप इस सीन देखेंगे तो यू विल फील दैट सैटायर, यू विल फील दैट डार्क ह्यूमर। मतलब पूरी सेटिंग ऐसी है कि पूरा उल्टा हो रखा है यहाँ पर इस वर्ल्ड में। एक्सट्रीम्स देखते हैं हम कि वो लोग इस बात पर दुखी हो रहे हैं कि वो औरत सही हो जाएगी, उसका उसकी पाँव टूटा हुआ नहीं है, वो सिर्फ स्प्रेन एंकल है, बट बिकॉज वो सिमिलर ट्रेट नहीं हो पाएगा उसके साथ इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। थरुन जैन, फ्रॉम वॉट ईयर हैव यू बिन फॉलोइंग फिल्म सीरियसली, कैन यू गिव एनी बैकग्राउंड? आई एक्चुअली स्टार्टेड वॉचिंग हॉलीवुड तो मतलब आई थिंक 10th 11th 12th, बट आई एक्चुअली स्टार्टेड वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा व्हेन आई वॉज स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर, जब उसका एक क्रिसेंडो आ गया था। तो उसके बाद आई हैड टू ड्रॉप आउट एंड गो टू फिल्म स्कूल। बट हाँ, आई थिंक आई हैव बिन फॉलोइंग वर्ल्ड सिनेमा फॉर 4 years now, 4 or 5 years। So coming back to this, हम धीरे धीरे एक्चुअली ना जो इस फिल्म का एक जो एक मूड क्रिएट होता है इस फिल्म का, वो हम समझेंगे कि किन चीजों की वजह से क्रिएट हो रहा है और ऑडियो का भी क्या यूज है इस फिल्म में। जैसे चलचित्र पे अभी एक वीडियो आया था देवाशीष मखीजा के साथ, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, उन्होंने भोसले बनाई थी सबसे रिसेंटली। और वो बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि जैसे वो एग्जांपल बताते हैं कि अगर तुम, वो सेक्स एंड लूशिया के बारे में बात कर रहे थे जो एक स्पेनिश फिल्म है जो मुझे भी बहुत पसंद है। तो सेक्स एंड लूशिया के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि जब हम मुराकामी पढ़ते हैं से फॉर एग्जाम्पल, तो ही प्लेज ऑन अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल। मतलब आप, मतलब मुराकामी जो भी लिटरली लिखते हैं वो तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस मूड क्रिएट करता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अनइनिशिएटेड विद मुराकामी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इस चेयर पे बैठा हूँ अभी, तो इफ आई गेट अप एंड आई गो समवेयर एल्स, तो अब यहाँ पे जो एब्सेंस क्रिएट होता है मेरी, मेरे जाने से इस स्पेस पे, तो मुराकामी विल राइट अबाउट दैट स्पेस। तो वो एक जापानीज राइटर है जो बहुत ही मेटाफिजिकल लेवल पे खेलते हैं, और उनकी बुक्स को जब फिल्मों में कन्वर्ट करने का ट्राई किया जाता है, अडेप्ट करने का ट्राई किया जाता है, तो वो ऑलमोस्ट हर बार अनसक्सेसफुली हुआ है, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट है वो बहुत अलग है लिटरेचर से, या फिर सिर्फ ऑडियो से भी एक्चुअली। अगर आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो तो भी यू कैन क्रिएट एन इमेज इन योर हेड, पर जब ऑडियो विजुअल फॉर्मेट आता है सिनेमा का, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक पीपल फील थिंग्स सबकॉन्शियसली।
आप लिटरली सब समझा देंगे डायलॉग्स के थ्रू जो कह सकते हैं, पर जैसा बुक पढ़ते हुए जो एक फील आता है ना, आप खुद एक क्रिएट कर रहे होते हो, तो वो विजुअल जो एलिमेंट है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। पर द लॉबस्टर इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फिल्म जिसमें जो ये मूड बनाना चाहते हैं आपके सबकॉन्शियस में, इट इज एबल टू डू दैट विथ इट्स वेरी डेड पैन कॉमेडी एंड इट्स वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंसेस। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कई कई सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट सेइंग मच, देर आर नो डायलॉग्स इन द एंटायर फिल्म, देर इज नो वन क्वेश्चन दैट सेज कि इज लव रियल, बट दैट्स वॉट यू एंड अप थिंकिंग वेन यू आर वॉचिंग द फिल्म। और वो जो पूरा एक मूड बिल्डिंग है, एक नैरेटिव, वो यहाँ पे होता है, वो फिल्म में हमें दिखता नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म एंड वेन आई वॉज वॉचिंग देवाशीष मखीजाज रिकमेंडेशन, मेरे को एकदम से लॉबस्टर के बारे में मैं सोच रहा था उस समय, तो आई वुड से दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फिल्म। और एक्चुअली यॉर्गोस लांथिमोस आते भी है एक थिएटर के बैकग्राउंड से, ग्रीक थिएटर के, तो ही नोज अबाउट सब टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। तो कमिंग बैक टू दिस, मैं आपको इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा और बताना चाहता था। जैसे मैं कह रहा था कि जो लोग लिटरली कहते हैं वो लोग वो ही मीन करते हैं। तो ये कहती है कि इफ आई डोंट फाइंड अ सुटेबल पार्टनर सून, एट सम पॉइंट, ये एक वुमन होती है, आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ बाई थ्रोइंग माई सेल्फ आउट ऑफ द रूम्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी डज लेटर ऑन, शी थ्रोज हर सेल्फ फ्रॉम वन ऑफ द रूम्स। ये एक बहुत ही ज्यादा लिटरल फोरशैडोइंग है उस चीज की। तो मैं कह रहा हूँ जो लिटरली कहते हैं इस फिल्म में वो ही होता है, दिस इज अ वेरी अब्सर्ड वर्ल्ड। एक पॉइंट पे जो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, समबडी पॉइंट्स आउट दैट इट्स नो कोइंसिडेंस दैट द टारगेट्स आर आल्सो शेप लाइक सिंगल पीपल नॉट कपल्स। तो सिंगल पीपल को ही टारगेट करना उनको पूरे इस वर्ल्ड में सिखा रहे हैं। बीच बीच में ऐसे बहुत ही, जैसे एक नरेशन की वॉइस भी चलती है, तो इट कीप्स टेलिंग अस व्हाट द प्रोटैगनिस्ट इज थिंकिंग। बीच में एक लाइन आती है, ही थॉट दैट इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू प्रिटेंड दैट यू डू हैव फीलिंग्स वेन यू डोंट than to pretend you don't have feelings when you do। तो जब इस तरह के वो एक वर्ल्ड में होते हैं, प्रोटैगनिस्ट को रियलाइजेशन आता है कि अगर अगर मुझे फीलिंग्स नहीं है तो मैं उसको फिर भी मतलब एक्टिंग करके दिखा सकता हूँ कि हाँ आई फील समथिंग, बट वेन देर आर नो फीलिंग्स तो तुम, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम ऐसी रिलेशनशिप में एक रह पाओ। और धीरे धीरे अगर एक लव भी फेड आउट हो जाता है तो वो भी हम देखते हैं कि ये कैसे फिल्म में दिखाते हैं। फिर बेसिकली होता क्या है कि दिस पर्सन फाइंड्स द वुमन विद द सल्किंग फेस और इसको लगता है कि आई विल ट्राई टू हैव अ मैच विद हर। तो वो उसके पास जाता है एंड ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज ऑल्सो समबडी हु इज अ सेडिस्ट, और वो बेसिकली फेक करता है इस पूरी चीज को, क्योंकि इसके पहले जो उसका दोस्त होता है, एक्चुअली मुझे वो पहले दिखाना चाहिए, जिसको नोज ब्लीड होती है, तो उसका दोस्त होता है, नाउ एट सम पॉइंट ही गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द एंटायर थिंग एंड ही सेज कि यू नो स्क्रू इट, मुझे तो या तो यहाँ से बाहर जाना है, मुझे जम नहीं रहा है। तो ही गोज टू द वुमन हु हैज द नोज ब्लीड्स और वो लिटरली फेक करता है नोज ब्लीड्स। एक पॉइंट पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो अपनी नोज को प्लेटफॉर्म पे मारता है एंड ही फोर्सफुली गेट्स अ नोज ब्लीड, इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है वो। फिर बाद में वो बेसिकली उस वुमन से इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर वो कहती है कि आई हैव अ नोज ब्लीड प्रॉब्लम ऑल्सो। फिर बाद में वो उस आदमी के साथ होता है, प्रोटैगनिस्ट के साथ, और वो कहता है कि What's worse, to die of cold and hunger in the woods or to have a nosebleed from time to time? तो अगेन जो ब्लैक एंड व्हाइट है, और वो कहता है कि हाँ टू बी इन द फॉरेस्ट एंड बी कोल्ड एंड हंग्री। तो फिर ये कपल बन जाते हैं एक लाए के बेसिस पे। तो जब ये आइडिया इंट्रोड्यूस होता है कि दिस कैन ऑल्सो हैपन दैट रिलेशनशिप कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ लाए, तो फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी आइडियाज आते हैं और फिर वो भी फेक करता है टू बी अ सेडिस्ट एंड ही गोज टू दिस वुमन एंड शी बेसिकली एक्ट्स एज इफ शी इज डाइंग एंड दिस गाय डज नथिंग, दिस गाय सेज नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ शी इज एक्चुअली डाइंग पर फिर भी ये कुछ नहीं करता है।
and she wakes up and she looks at him and says कि आई थिंक वी आर अ मैच. तो देन दे गेट टुगेदर और फिर काफी टाइम तक वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि ही ऑल्सो गेट्स ऑफ ऑफ बींग मीन टू अदर पीपल एंड ही ऑल्सो गेट्स ऑफ ऑफ हर्टिंग पीपल. तो जो उसका दोस्त होता है अब जो एक फैमिली में हो जाता है उसकी बेटी आती है उसके पास और शी वॉन्टेड टू किस हिम ऑन द चीक तो वो उसको लात मार के भगा देता है. और इसके सबटाइटल्स भी तो मेरे पास थे बहुत फनी थे. दिस वन सेज एलिजाबेथ क्राइज आउट इन पेन एंड वेल्स. और नॉट जस्ट दैट देन ही ऑल्सो सेज दैट नाउ यू विल हैव अ लिम्प एंड बी मोर लाइक योर फादर. बट धीरे धीरे करके ये एस्केलेट हो जाता है. और जो मैंने बताया था कि पहले इसके साथ एक डॉग भी होता है और वो इसका एक्चुअली भाई होता है. तो बेसिकली उसका भाई फॉर सम रीजन सिंगल होता है एंड ही कम्स टू द इंस्टीट्यूशन एंड ही इजंट एबल टू मेक इट सो दे टर्न हिम इनटू अ डॉग एंड नाउ दैट्स हिज ब्रदर द डॉग दैट स्टेज विद हिम. तो व्हेन ही इज लिविंग विद दिस वुमन हु थिंक्स दैट ही इज ऑल्सो अ सेडिस्ट एंड शी सेज दैट आई किल्ड योर ब्रदर दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट शी सेज टू दिस गाय व्हेन ही वेक्स अप. तो ही सीज द ब्लड एंड ही प्रिटेंड्स टू बी ही प्रिटेंड्स टू फाइंड इट फनी फॉर सम रीजन बिकॉज ही इज सपोज टू बी अ सेडिस्ट. तो पर ये बाथरूम में जाता है और अपनी डेड बॉडी नीचे देखता है डॉग की और ये रोने लग जाता है. तो फिर एक वुमन अंदर आती है और उसको चाटा मारती है और ये कहता है कि दीज आर एंट टीयर्स इट्स जस्ट वाटर आई जस्ट वॉश माई फेस. बट वो कहती है कि देखो मुझे पता है तुम फेक कर रहे हो पर मुझे पता नहीं तुम क्यों फेक कर रहे हो. तुम्हें पता है ना ये बहुत पनिशेबल एक्ट है. ये रिलेशनशिप कैन नॉट बी बिल्ट ऑन अ लाई वो बेसिकली कहती है. तो फिर वो उसको पकड़ के लेके जाती है अथॉरिटीज के पास कि तुमने ये फेक किया है तुमने मेरे साथ खेला है. और पर रास्ते में वो उसको धक्का दे के वहां से भाग जाता है. और जो हम पहले देखते हैं कि एक जो वहाँ पे मेड होती है तो वो उसकी हेल्प करती है और पीछे से वो फिर उसको शूट करता है. जो आर्यन लबड़ का कैरेक्टर होता है वही है उसको शूट करता है एंड देन ही इज एबल टू बेसिकली रन अवे फ्रॉम द होटल एंड ही बिकम्स अ रिबेल एंड ही ज्वाइंस द कल्ट. और जो हम नरेशन देखते हैं वो हमें समझ आता है कि कौन दे रही थी अब एंड ही वाज हेडेड टुवर्ड्स अस. तो द नरेटर इज समबडी हु इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट. इसके आगे मैं बताऊं जो मेन पॉइंट है फिल्म का उसके पहले मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं. और प्रज्ञा आर्या यॉर्गोस लांथिमोसिस बेस्ट फिल्म इज एक्चुअली डॉग टूथ नो कैप. आई एग्री एक्चुअली आई एग्री दैट्स द फिल्म दैट हिट मी द मोस्ट ऑल्सो. द फेवरेट एक्चुअली मुझे इतनी हिट नहीं करी थी. थरुण जैन व्हाट डिड यू फील अबाउट किलिंग ऑफ अ सेक्रेट डियर. आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली बट आई थॉट इट वॉज पॉसिबल. मतलब वंस यू सीन डॉग टूथ मैंने पहले लॉबस्टर देखी थी एंड देन आई मूव टू डॉग टूथ आई थिंक. फिर मेरे को इंटेंसिटी समझ आई कि क्या एकदम क्या हो सकता है इनकी फिल्मों में. तो हाँ सिद्धांत रावत यस द स्टोरी इज हेला वाइल्ड. सुदीप लोहार बर्निंग काफी सही था. मुराकामी का शॉर्ट स्टोरी अडेप्ट किया हुआ. हाँ बर्निंग बहुत अच्छी थी. बर्निंग के फिल्म मेकर का नाम क्या था ली चैंग. बर्निंग मामी में भी लगी थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी. वैभव और मैंने साथ में देखी थी बर्निंग. हम दोनों को बहुत ली चैंग डोंग हम दोनों को उस समय बहुत पसंद आई थी. और बर्निंग आई वुड से इज एक्यूरेट ऑलमोस्ट एक्यूरेट अडेप्टेशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. पर वो भी लेकिन शॉर्ट स्टोरी है ना. और अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे तो दैट इज टेकन फ्रॉम अ स्टोरी कॉल्ड बार्न बर्निंग. और उसमें भी एक्चुअली उन्होंने फिल्म में बहुत सारी चीजें और ऐड करी है. पर मतलब आई वुड एग्री बर्निंग हैज बीन एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट मूड मेकिंग अक्रॉस दैट मुराकामी डज इन हिज बुक्स. समोय बैनर्जी आई डोंट नो इफ इट इज ओनली मी आई ऑलवेज फील दैट देर इज समथिंग इनकम्प्लीट इन लैंथिमोस मूवीज. आदित्य गुप्ता आई रियलाइज दैट जेसिका बारडेम हैड अ रोल इन इट सिंस आई सॉ एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड बिफोर दिस. ऑल्सो बेन किनशॉ ली चैंग डोंग यस. हाँ मैं एक्चुअली सोच भी रहा था कि ज़्लॉस्की इज एबल टू डू अ लॉट ऑफ दैट मूड मेकिंग ऑल्सो इन हिज फिल्म. आई माइट ट्राई टू अटेम्प्ट थ्री कलर्स रेड ब्लू वाइट. ओके सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम कमिंग बैक टू दिस. तो बेसिकली होता क्या है कि ही मीट्स दिस अदर वुमन
इन द फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में बेसिकली यू आर सपोज टू बी सिंगल, यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू एनीबडी एल्स, यू कैन नॉट बी फ्लर्टिंग। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी दोस्ती हो जाती है एक औरत से, और धीरे धीरे दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, एंड टू टॉक टू ईच अदर दे फॉर्म देयर ओन लैंग्वेज ऑल्सो एक्शंस वगैरह करके। पर इनकी कल्ट की जो लीडर होती है वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वुमन होती है, एंड शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि यू कैन नॉट बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस रिबेल ग्रुप, या तो तुम वापस जाओ इंस्टीट्यूशन में। तो देन दे सडनली गेट क्लोज टू ईच अदर, और ये खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं। पर इनका ना पोल तब खुलती है व्हेन दीस गाइस डिसाइड टू गो टू द सिटी टू गेट सम सप्लाइज, और दे हैव टू प्रिटेंड टू बी अ कपल इन द सिटी। रिमेम्बर इफ यू आर इन द सिटी यू आर सब्जेक्टेड टू चेक्स एट ऑल टाइम्स, और अगर तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है तो फिर दे सेंड यू टू द इंस्टीट्यूशन और दे पनिश यू। तो सिटी में उनको समझ आता है कि इनका एक सिमिलर ट्रेट है, दे आर बोथ शॉर्ट साइटेड, वो दोनों चश्मा पहनते हैं, फिलहाल उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनी हुई होती है। तो वेन दे गेट टू नो अबाउट देयर सिमिलर ट्रेट देन दे थिंक कि ओके वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, और फिर सिटी में वो प्रिटेंड करते हैं कि वो वाइफ हस्बैंड है। पर धीरे धीरे वो एस्केलेट हो जाता है, और जब अगली बार वो सिटी जाते हैं देन दे ओवर डू इट अ लिटिल बिट एंड दे स्टार्ट मेकिंग आउट वेन देर। दिस इज द कल्ट लीडर, यू मे नो हर फ्रॉम ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। तो वो देखती है एंड एट सम पॉइंट शी इज हैड इनफ, शी सेज स्टॉप इट, दैट्स इनफ, शो माई पेरेंट्स सम रिस्पेक्ट, बिकॉज शी इज बेसिकली दिस एक्सट्रीम लोनर हु हेट्स लव, मे बी समबडी हर्ट हर इन द पास्ट, तो शी डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप्स, दैट्स वाई शी फॉर्म्स दिस रिबेल ग्रुप। तो बेसिकली होता क्या है, शी बिकम्स वेरी जेलस ऑफ देम, एंड सिंस शी इज अ रूल फ्रीक एट सम पॉइंट शी ब्लाइंड्स द अदर वुमन सो दैट दे डोंट हैव अ सिमिलर ट्रेट एनी मोर, और फिर वो साथ में हो नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होता है कि जब वो ब्लाइंड हो जाती है एंड देन दे बोथ रियलाइज कि ओके लीडर हमारे पे ये करना चाहती है, और फिर वो कैसे फिगर आउट करते हैं अपनी रिलेशनशिप को, और जो उसके बाद एक एंडिंग सीन है वो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म का। एंड एज आई सेड लैंथिमोस की जो एंडिंग्स होती हैं दे मेक द फिल्म यूजली, तो उस पर हम आएंगे। पर बिफोर दैट मैं एक बार जो मुझे बीच में थोड़े से दिखाने थे वो मैं दिखा। When they're in the forest, we also realize that the girl who was the housemaid, she is a part of the rebel group and she helps them out. तो जैसे मैं कह रहा था कि एक एक करके एक कैरेक्टर का एक ट्रेट रिवील होता है, फिर बाद में वो कंफर्म होता है, तो पूरी फिल्म में ऐसा एक सीक्वेंसिंग चलती है। एक पॉइंट पे जो उसका दोस्त होता है इंस्टीट्यूशन में, और देर इन वन ऑफ देयर एक्टिविटीज, देर इन वन ऑफ देयर रन्स, कि वो बाहर आके फॉरेस्ट में जाके रिबेल्स को शूट कर रहे हैं, और वो जितना शूट करते हैं उनको एक और दिन एक्स्ट्रा मिलता है इंस्टीट्यूशन में रहने के लिए। मतलब डिफॉल्ट तो उनको 45 डेज होते हैं, बट एज द डे स्टार्ट रनिंग आउट अगर वो बाहर जाके एक रिबेल को मार पाते हैं तो एक दिन और उनका बढ़ जाता है। तो नाउ दिस गाय हैज 3 डेज लेफ्ट एंड ही नोज हिम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, दे वर फ्रेंड्स बट नॉट नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब दिस गाय इज नॉट टू एग्रीएबल, नॉट टू लाइकेबल। तो पर एक पॉइंट पे ये इस पोजीशन में आ जाते हैं कि ही हैज अ गन पॉइंटेड एट हिम एंड नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ द रिबेल ग्रुप एंड ही हैज रन अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो फिर ये बहुत ही ऐसा मोनोटोन डेड पैन में कहता है, यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी, ओ यू आर माय बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। तो एक्चुअली ये जो मैं कह रहा था पहले भी डार्क ह्यूमर, पर ये उस समय इतना फनी होता है, और जो इनका कैरेक्टर होता है वो कहता है आई डोंट थिंक आई एम योर बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, यू यूज्ड टू स्पेंड मोर मच मोर टाइम विद जॉन। एक बहुत ही इनोसेंट ये कॉन्वर्सेशन होती है, वो कहता है ओ हूज जॉन। तो उत्ते में बिफोर दैट एक्चुअली वो उससे पूछता है यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक। तो ये जो इसका एक मोनोलॉग है, इसमें ये कहता है कि नाउ दैट आई एम हियर इन दिस कल्ट देर इज नो वन टाइंग यू डाउन, यू लिसन टू म्यूजिक वेन एवर यू लाइक, यू मास्टरबेट वेन एवर यू वॉन्ट, यू गो फॉर वॉक्स वेन एवर यू लाइक, हैव अ चैट वेन एवर यू लाइक,
आई डोंट मिस कंपेनियनशिप एट ऑल. तो दिस इज सपोज टू बी अ रैंट ऑफ समबडी हु इज इन द मॉडर्न सोसाइटी हु डज नॉट माइंड बीइंग सिंगल. ही डज नॉट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप. जो पूरा एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो है ये कि यू ऑलवेज हैव टू बी विद समबडी, उसको ये यहाँ पे डिसमेंटल कर रहा है, उसको डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है. ये कह रहा है कि आई एम ओके बीइंग बाय माई सेल्फ, मतलब व्हाट इज द नीड टू बी विद समबडी एल्स. And at some point, which is also a very exciting scene in this film, at some point, what happens is they decide to go back to the institution and they decide to do this experiment. So the leader and the group, they go to the institution ki jo head hoti hai, jo principal almost hoti hai, उसके रूम में जाते हैं एंड शी इज देयर विथ हर पार्टनर हर हस्बैंड. तो अप टू टेस्ट देयर लव एंड टू टेस्ट देयर रिलेशनशिप, वो उस पे गन पॉइंट करते हैं आदमी पे एंड दे आस्क हिम डू यू लव हर. ही सेज यस विथ ऑल माय हार्ट. उसे पूछती है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 15 हाउ मच डू यू लव हर. ही सेज 14. तो देन दे वॉन्ट टू फिगर आउट कि तुम दोनों में से कौन अकेला रह पाएगा. तो वो एकदम से कहता है कि आई कैन लिव अलोन शी कांट, आई एम ऑन माई ओन फॉर आवर्स व्हेन शी इज रनिंग द होटल. बेसिकली ही इज मेकिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ कि मैं अकेला रह सकता हूँ, आई कैन डेफिनेटली लिव ऑन माई ओन. तो वो उसको कहती है ठीक है तो टेक द गन एंड शूट हर, देन देन यू कैन बी अलोन एंड वी विल गो एंड लीव यू. तो वो एकदम से भड़क जाती है, वो ऐसे डर जाती है कि नहीं नहीं मत शूट करो मुझे. वो शूट करता है तो द गन इज एम्प्टी, देर इज नो बुलेट. And that's all she wanted to prove, that their love is fake, it's a construct. The other person will kill you any second of any day if it means that he gets to survive. So she basically destroys the idea of love for these couple. Or फिर वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है I'm going to kill your ass. Don't you fucking care? This was just to prove a point. She did not kill anybody here, पर वो एक larger scale पे ये बात कर रही है कि given the chance, if it was for your survival, would you not give up your partner or would you? क्या मतलब तुम्हारा जो love है वो इतना strong है कि basically जो एक एक bond है, एक physical bond है, क्या हम उसे एक legal contract पे quantify कर सकते हैं या reduce कर सकते हैं? और इज इट मोर देन दैट, मतलब इज लव एनीथिंग मोर देन दैट, मोर देन अ एक्सपेक्टेशन टू बी विद समबडी. फिर जो मेरा फेवरेट सीन है, सीक्वेंस है एक्चुअली फिल्म का, उस पे हम आते हैं. पर बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट, एक बार बस हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं वापस. दांत रावत, और तूने फिर से बाल कटवाए. हाँ मैंने आज सुबह काटे वापस बाल. एक्चुअली पता है बहुत मजा आता है ऐसे बस ट्रिमर को. बुझ आदित्य गुप्ता, इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट इन लैंथिमोसिस मूवीज आर कास्ट ब्रिलियंटली. एक्चुअली लैंथिमोस ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बिफोर कास्टिंग आई ट्राई टू सी कौन सा काम, स्टिल ऑन इमेजेस आई थिंक, आई ट्राई टू थिंक अबाउट वॉट आर द पीपल दैट आई लाइक टू वर्क विथ एंड देन आई थिंक अबाउट हाउ आई कैन फिट देम इन माई वर्ल्ड इन माई नैरेटिव एंड दैट्स हाउ आई यूजली कास्ट. और इस फिल्म की कास्ट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड है, हर जगह से लोग हैं. रेशल वे से याद आया, मिस्टर पिंक कह रहे हैं द फाउंटेन बाय डैरन अरोनॉफ्स्की इज एन इंटरेस्टिंग वॉच, ओवर द टॉप समटाइम्स बट थॉट प्रोवोकिंग इन जनरल. मैंने देखी नहीं है द फाउंटेन, एक्चुअली मैं देखूंगा. अरोनॉफ्स्की की अभी भी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो उन्होंने काफी अर्ली टाइम में बनाई थी, पाई करके एक फिल्म है उनकी, और पूरी मोनोक्रोम फिल्म है, और शायद उनकी वो स्टूडेंट फिल्म थी. बहुत ज़्यादा अमेजिंग फिल्म है, पाई फिल्म है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो अगर आपको कहीं से मिले तो प्लीज़ देखिएगा. सुदीप लोहार, आज बहुत कुछ समझ आया फिल्म के बारे में जो फिल्म देख के नहीं समझ आया था, बट नोइंग इट बाय माई सेल्फ इज सो मच फन. कोई एक्सप्लेन कर दे तो उतना मज़ा नहीं आता. हाँ हो सकता है, मतलब फिल्म वॉचिंग इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस वैसे तो. ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक,
एट सम पॉइंट इनका भांडा फूट जाता है जब ये फॉरेस्ट में होते हैं, एंड दे गेट होल्ड ऑफ द वुमन्स डायरी जिसमें वो लिखती है अपने आइडियल फ्यूचर के बारे में, जिसमें वो इस आदमी के साथ यहाँ से निकल जाती है. एंड शी गेट्स एंग्री एंड देन शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग अबाउट इट. और एक्चुअली आप डिटेलिंग देखिए इस फिल्म में, तो जब ये फॉरेस्ट में होते हैं देर इज अ लामा गोइंग फ्रॉम बिहाइंड देम. तो बेसिकली दिस इज द फॉरेस्ट वेयर दे डंप द एनिमल्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, जो वो लोगों को एनिमल बना के फिर निकालते हैं. तो एट सम पॉइंट हमें पीकॉक दिखते हैं पीछे, हमें ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल दिखते हैं, और बहुत कैजुअली मतलब बहुत सटली बस ये बात कर रहे हैं, पीछे से एक लामा चल के जा रहा है. तो फिर अब जो एक सीन होता है इस कल्ट में, बेसिकली यू आर सपोज टू डिग योर ओन ग्रेव क्योंकि नोबडी हेल्प्स यू आउट इन दिस कल्ट इफ यू आर गोइंग टू डाई. सो यू हैव टू डिग योर ग्रेव एंड देन जब तुम मरोगे तो तुम्हें बस वहां पे पटक देंगे, कोई तुम्हारी इतनी सी भी हेल्प नहीं करेगा. यू आर ऑन योर ओन इन दिस कल्ट. तो वो एक और एक्सट्रीम हम देखते हैं. तो बेसिकली व्हेन शी फिगर्स आउट कि इनका इसका और एक वुमन का कुछ चल रहा है, तो उसको लगता है कि ये तो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, कल्ट में ये सब नहीं होना चाहिए. तो देन शी मेक्स हिम मेक अ ग्रेव फॉर हिमसेल्फ एंड शी टेक्स द वुमन टू दिस डॉक्टर, और वो उसे कहती है कि हम तुम्हारी शॉर्ट साइटेडनेस की सर्जरी करवा रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग हर ब्लाइंड एंड नाउ शी इज ब्लाइंड. तो अब फिर ये फॉरेस्ट में वापस आती है एंड शी ट्राइज टू फाइंड हर वे इन द फॉरेस्ट एंड शी रिवील्स टू हिम कि पहले तो वो प्रिटेंड करती है कि ओ यू लुक हैंडसम टुडे, मतलब जस्ट तो ऐसा और एग्जैजरेट करने के लिए, हाँ ऑफ कोर्स आई कैन सी यू मतलब. देन शी सेज कि आर लीडर ब्लाइंडेड मी इन द सिटी, ही सेज डोंट डोंट क्राई वी विल फाइंड अ वे. पर हम धीरे धीरे देखते हैं और ये भी हमें विजुअली समझ आता है कि मे बी ही इज ट्राइंग टू बिकम ही इज बिकम लेसर एंड लेसर इंटरेस्टेड इन हर एवर सिंस शी कांट सी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो जो एक कंपल्शन होता है कि यू हैव टू हैव अ सिमिलर ट्रेट इन दिस वर्ल्ड टू बी टुगेदर. एंड नाउ शी डज नॉट हैव शॉर्ट साइटेडनेस, शी हैज नो साइटेडनेस एट ऑल, शी इज ब्लाइंड. सो दैट बग्स दिस प्रोटैगनिस्ट. तो फिर लेकिन दे रन अवे फ्रॉम द कल्ट एज वेल एंड दे गो टू द सिटी, चुप चुप के वो निकलते हैं. नाउ दिस इज द सीन. अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, दिस गाय ऑर्डर्स फॉर अ नाइफ एंड अ फोर्क एंड ही आस्क सर व्हाट इज इट लाइक टू बी ब्लाइंड एंड शी सेज इट्स स्ट्रेंज एट फर्स्ट बट देन यू गेट यूज्ड टू इट. एंड सो ही सेज कि आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, आई वोंट बी लॉन्ग. और ये डिसाइड होता है कि ही इज ऑल्सो गोइंग टू ब्लाइंड हिमसेल्फ सो दैट दे हैव अ सिमिलर ट्रेट. तो ही गोज टू द वॉशरूम एंड देन वी सी दैट ही इज स्टैंडिंग देयर विद द नाइफ पॉइंटेड टू हिज आई, और हम देखते हैं कि खुद को ऐसा गैग करता है एंड देन ही जस्ट स्टैंड्स देयर विद द नाइफ पॉइंटेड इन टू हिज आई. तो ये जो सीक्वेंस है मैं इसकी बात कर रहा था व्हेन आई सेड कि दिस फिल्म मेक्स यू फील समथिंग सबकॉन्शियसली. इस फिल्म में ना इस सीन में ना कुछ ऐसा इंटेंस इंटेंसिफाइड म्यूजिक ट्रैक है या कुछ भी है, विजुअल सटल क्लियर ऑब्वियस लिटरल जो चल रहा है ठीक है, बट अभी तक जो कॉन्टेक्स्ट बना है जो नैरेटिव बना है, तो ये इमेज इन इटसेल्फ इतनी क्रीपी लगती है देखने में. और वी होल्ड ऑन टू दिस शॉट कि वो आंख में ऐसा नाइफ लेके खड़ा है एंड दिस सीन मेक्स यू फील समथिंग, मतलब इट मेक्स यू ऑलमोस्ट जो चौक हम ब्लैक बोर्ड पे ऐसा चलाते हैं ना, वैसा जो एक फीलिंग होती है वो आती है इस सीन में. सो बेसिकली नाउ द डिलेमा इज ही वॉन्ट्स टू बी द सेम एज हिज पार्टनर, बट सिंस शी इज ऑलरेडी ब्लाइंड ही कैन वेरी वेल जस्ट फेक being blind, he can go back and say okay I'm blind now and she will never know, but will he do that? Is he selfish enough? Matlab is does he want to will he choose himself over the other person? Will he choose his own fertility and his own physical health over this sacred bond of love or this relationship? Abhi tak jo itna pyar karta tha is aurat se.
एंड दैट्स ऑल वी सी ऑफ हिम. हम बस लास्ट में देखते हैं कि ही पुट्स द नाइफ वेरी क्लोज टू हिज आई एंड देन वी कट टू द वुमन हु इज वेटिंग फॉर हिम टू ब्लाइंड हिमसेल्फ एंड शी इज वेटिंग देयर वेरी पेशेंटली ऑन द सोफा. और ये जो अब शॉट है ये कुछ 1 मिनट लंबा शॉट है, 60 सेकेंड्स का ये शॉट है जिसमें बस ये सामने देख रही है और चलता रहता है ये शॉट. अलग अलग इटरेशन आते हैं इसके, 1 मिनट तक ये शॉट चलता है एंड देन वी कट टू ब्लैक 1 मिनट के बाद. और जब मैं फिल्म देख रहा था मुझे याद है मैं हॉस्टल में मेरे दोस्त प्रत्युष के साथ देख रहा था, उस समय हम दोनों को ये सिमिलर थॉट था कि ये कितना एग्जैक्ट कट है, मतलब दिस इज सच अ परफेक्ट कट. ऑल दो ही हेल्ड ऑन टू दिस फॉर 1 मिनट, बट जिस पॉइंट पे कट टू ब्लैक होता है उस समय देख के लगता है दिस वॉज एग्जैक्टली वेन आई वॉन्टेड यू टू कट. मतलब जो एक एडिटर का भी इंस्टिंक्ट होता है, तो वो जब देख रहे होते हैं आप ये फिल्म एकदम से, मेरे को भी ये थॉट आया कि हाँ अब अगर ये कट कर देगा तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस एंडिंग, और उसी समय कट हो गया वो 1 मिनट के बाद, ऑलमोस्ट 1 मिनट 6 सेकंड कुछ के बाद. तो इट्स नॉट इवन दैट इट्स अ मतलब क्लोज फिगर. बेसिकली व्हाट यूजुअली वुड हैपन इज दैट यू वॉच द एंटायर सीन, द एडिटर इज वॉचिंग इट ऑन द एडिट टेबल एंड देन वेन एवर यू फील लाइक द पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस दैट्स वेन यू कट. तो वो एक बहुत ही सबकॉन्शियस चीज होती है कि हाउ मच डू यू होल्ड ऑन टू दिस वन शॉट सो दैट द पॉइंट बिकम्स एक्सट्रीमली क्लियर. द पॉइंट हियर इज दैट द फिल्म इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. द फिल्म इज आस्किंग कि एट व्हाट लिमिट्स डू यू आर यू रेडी टू गो फॉर लव, कैन यू ब्लाइंड योरसेल्फ फॉर इट. और एक जो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस इसका टंग इन चीक रिमार्क है वो ये है कि लव इज ब्लाइंड. तो जैसे मैं सोच रहा था ये फिल्म देखते हुए अभी कि समटाइम्स आई लाइक टू लुक एट फिल्म्स एज पंक्चुएशंस. जैसे मान लो कई फिल्म में कॉमाज होती है, अगर उसका एक सीक्वल बनने वाला हो या एक सीरीज हो, कई फिल्म में पीरियड होती है कि बस यही है ये था, कई फिल्म में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होती है. जैसे मतलब क्वाइट लिटरली अगर आप अर्नोफ्स्की की मदर का एग्जाम्पल लें तो इट इज अ मदर एक्सक्लेमेशन मार्क. तो वैसी टाइप की फिल्में बस एक एक्सक्लेमेशन मार्क करके छोड़ देती है. फिर कई फिल्में होती है जो क्वेश्चंस पूछती है आपसे, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होती है. पर लॉबस्टर इज वन ऑफ दोज फिल्म्स विच इज अ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. जैसे हम कभी कभी टेक्स्ट में भी आजकल टाइप करते हैं, इफ वी वांट टू एम्फसाइज अ क्वेश्चन देन एक्सक्लेमेशन एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज दैट फिल्म. इसकी जो एंडिंग है इट इज एक्सक्लेमिंग दैट क्वेश्चन. वो आपसे इतना टेरिफाइंगली पूछ रही है लव के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में एंड इट वॉन्ट्स यू टू थिंक. वो कोई आंसर्स आपको नहीं दे रही है, वो सिर्फ आपको इस सोसाइटी का एक एग्जैजरेशन दिखा रही है कि दिस इज व्हाट वी हैव कम टू, दिस इज व्हाट वी आर फोर्सिंग ऑन टू ईच अदर. और जो एक एक्सपेक्टेशन हम एक दूसरे से रख रहे हैं, क्या वो एक्चुअली रियल है? डज इट होल्ड एनी वैल्यू एक्सेप्ट फॉर दैट कॉन्स्ट्रक्ट? तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंडिंग्स एक्चुअली फ्रॉम फिल्म्स, फ्रॉम एनी फिल्म्स एक्चुअली. और यॉर्गोस लैंथिमोस ये पुल ऑफ कर पाए हैं वो बहुत अमेजिंग बात है मेरे लिए. तो नाउ व्हेन वी लुक बैक एट द पोस्टर, नाउ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज ही इज होल्डिंग ऑन टू एन इनविजिबल पर्सन एंड शी इज ऑल्सो होल्डिंग ऑन टू एन इनविजिबल पर्सन. दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट द फिल्म. एक बार मैं कमेंट्स और पढ़ लेता हूँ. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड योर्गोस लैंथिमोस अदर फिल्म्स एज वेल. डॉग टूथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. मिस्टर पिंक, बीइंग इन अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप इज वियर्ड. मिस्टर पिंक, लाइफ इज लाइक ड्राइविंग अ कार इन डार्क विथ हेडलाइट्स ऑन. वी कैन नो ओनली अ लिटिल अहेड. रिलेशनशिप इज लाइक स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड ड्राइविंग इन डार्क. हु हर्ट यू मिसेस पिंक? Mr. Pink. On that note, I think we can end this session. Or thank you everybody for coming, and I'll see you in the next episode. देखते रहिए चलचित्र टॉक्स और देखते रहिए फिल्में. Okay, thank you. Bye bye.